खोलेंगे, खोल दो। ऐसा था यहाँ पे सब कुछ जब से मैं आई हूँ ना, ये सब ऐसे ढिंचक हो गए। मैम सर मेरे पास नेट पैक तो है ही नहीं। जैसे बच्चे रहते हैं। ओ हम बच्चे हैं, आपको क्या लगता है हम बुड्ढे हो गए? जाओ जो भी मंगवाते हो मेरी बेइज्जती करते हैं। पीओपी है? पीओपी? पीओपी नहीं है ये, पीओपी तो ये लगवाने में, और ये है मेरा दूसरा। मैं दिखाती हूँ कि इन्होंने मुझे क्या दिया। यार मतलब फिर मैं अपने आप को ही लेती रहूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। टाइम हो रहा है 9:30 और मैं अभी अभी जस्ट नहा के निकली हूँ, अपने बाथरूम में ही हूँ। और आज घर में बन रहा है सांभर डोसा, जो कि मम्मी बना रही हैं। मुझे तो बनाना नहीं आता और मैं देखूँगी कि कैसे बनाते हैं, और आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि हम कैसे बनाते हैं। मैं तो खुद भी पहली बार ही देख रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं बनाया है। गरम पानी मैंने अपना कर लिया पीने के लिए। आज मैं आप लोगों को एक टिप दे रही हूँ। अगर आपको अपने फेस पे पिंपल की प्रॉब्लम है या फिर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, और मेडिसिन के बाद भी ना पिंपल ठीक हो रहे हैं और ना ही पिगमेंटेशन ठीक हो रही है, तो सुबह उठते ही खाली पेट गरम पानी, चाय जितना गरम पानी जो होता है वो पीजिए। आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने में आपका जो पिंपल की प्रॉब्लम है, जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, सारी सॉल्व हो जाएगी। और अगर मान लीजिए पिंपल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि पिगमेंटेशन कब होता है? जब पिंपल बनता है और उसके बाद निशान जब वो छोड़ जाता है, तो ऐसे में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आप गर्म पानी पियेंगे सुबह उठ के, आपको कुछ भी नहीं खाना है गर्म पानी से पहले, गर्म पानी पियेंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाएगी। मैं हो गई हूँ रेडी और टाइम हो गया है 10:10। अब चलेंगे नीचे, देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। अकेले लगी हुई हैं। एक्चुअली मैं ऊपर का सारा काम निपटा रही थी, अपना सब कुछ साफ़ सुथरा सा कर रही थी, तो अब चलेंगे नीचे। एक्चुअली मैंने अभी कॉफ़ी भी नहीं पी है अपनी, मैं कॉफ़ी बनाऊंगी और देखती हूँ मम्मी क्या कर रहे हैं, और कुछ हेल्प चाहिए होगी तो उनकी हेल्प भी कर देंगे। मैं नीचे आई और देखा मैंने कि मम्मी ने सब कुछ रेडी किया हुआ है। इधर हमारा सांभर बना हुआ है। सांभर बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बट फिर वो सॉल्व भी हो गई। इधर हम मम्मी ने चटनी बना ली, कौन सी, नारियल की चटनी बनाई है। और इसके बाद आलू की सब्जी, डोसे में भरने के लिए जो होती है वो वाली आलू की सब्जी बना रखी है, और हमारा बैटर भी रेडी हो गया है। बिल्कुल पतले पतले जैसे हो, बत्तवा लंबा हो तो वो ज्यादा लंबे हो जाए। देखना कितना सुंदर बना है, एकदम गोल। और देख क्या डिजाइन आया। डोसे की थाली लग गई है हमारी, दो डोसे सांबर और चटनी। हमारा खाना पीना हो चुका है, डोसा हमने खा लिया। कैसे जरा से होके लेटे हुए। सब कुछ आता है यार, मतलब फिर मैं अपने आप को ही लेती रहूं व्लॉग के अंदर। कर लो डिसलाइक। डिसलाइक से क्या होता है ना भाई, इतने लोग हैं। सब्सक्राइब डिसलाइक सब कर लो। हमारी ना अभी 2-3 दिन पहले लड़ाई हुई थी, ये सब तो इन्होंने क्या किया। नहीं क्यों, हमारी ना 2-3 दिन
हमारी ना दो तीन दिन पहले लड़ाई हुई थी, तो ना इन्होंने ना मेरे चैनल ना अनसब्सक्राइब कर दिया। मैं देखूं ये किसने किया है, ऐसे लग रहा मैं किसी जंगल में बैठी हूँ। ये देखिए मेरे पति देव के पैर पसार के लेटे हैं। हाय हाय, देखना जब व्लॉग नहीं बन रहा था ना। सारा काम हमारा निपट चुका है, सब ने खाना खा लिया। ये पता नहीं क्यों बाहर घूम रहे हैं, क्या देख रहे हैं बाहर। देखे आ जाओ। अरे मैं शॉर्ट्स पहन के आ रहा हूँ। तो अच्छा, तो कपड़े चेंज करेंगे, मैं तो अपनी जीन्स में ही हूँ, और उसके बाद हम सो जाएंगे। और आज देखिए कुछ ना मेरे पास होम डेकोर के पार्सल आए हुए। ये तो खाली है, ये खाली है, इसका मैंने निकाल दिया है जो था इसके अंदर। और ये सारे मेरे पैकेज आए हुए हैं, और अभी जब सो के उठे, अभी जब सो के उठेंगे तो मैं आपको ये अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। अनबॉक्सिंग मैंने भी नहीं की है अभी, मेरे को पता नहीं है इनमें क्या क्या है। एक चीज़ है जो कि मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल पे लगा दी है, और बाकी की जब लगाऊंगी तो आप लोगों को मैं दिखा दूंगी। अब तो आ जाओ। हेलो, मेरा मुंह मोटा लग रहा है। अरे अच्छा है ना, मेरा ही मुंह इतना मोटा है, थोड़ा इनका भी तो होना चाहिए। आज लग रहा है कि बारिश आएगी। हाँ, आ सकती। थोड़ा तो पेड़ हिल रहा है यार, इस बार ना बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल। मेरा ना दिल टूट गया इस बार, मैं इतना मानसून का वेट करती हूँ। जब जिस साल में हमारी, मतलब पिछले साल में जब हमारी शादी हुई थी, तब तो दबा के बारिश हुई है। कमरा लीक इन द सेंस, वहां से जाल, तब तो हमारा ना कमरा भी लीक कर गया था, जाल से बारिश आई थी, जाल लगा हुआ है साथ में, लीक लूक कुछ नहीं। हाँ नहीं, मतलब वही हम ना रात को सो रहे होते थे, और ना ऐसे टप 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 पानी बह रहा होता था। मैं जाल है दरवाजा, हाँ गेट हमारे कमरे के साइड में ही वो है, क्या नाम है, जाल है। तो इतनी बारिश लगी होती थी रात, कई कई दिन बारिश आई है पिछली बार। मतलब हमारी शादी पे ना भगवान भी खुश थे। हमारी शादी, खैर बताएंगे पूरी स्टोरी, अभी नहीं बतानी। हाँ, अभी मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है, संकल्प ने लिया था, और वो कह रहे हैं कि ना इसके अंदर ना मिट्टी है, और इसमें से मिट्टी निकल रही है, पर सामान कहाँ गया यहाँ का। अच्छा ये रहा, तो इसमें तो मिट्टी का कोई काम ही नहीं है, ये तो ये रहा, ये मैंने इसके अंदर लगा दिया है, पर इसमें मिट्टी क्यों है, इस सारे पे मिट्टी आई हुई है। अब सारा इसको साफ करना पड़ेगा। अभी मैं कैमरा ऑन करके देख रही थी कि बारिश आ रही है या नहीं आ रही है कैमरे में, और तो कुछ आसमान तो देख नहीं सकते ना, तो मैंने देखा कि कपड़े उड़ रहे हैं, तो मुझे लगा तेज तेज हवा चल रही है और इसलिए कपड़े उड़ रहे हैं। फिर मैंने कैमरे को दूसरे एंगल से देखा, तो पत्ते तो नहीं हिल रहे थे बट कपड़े हिल रहे थे। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, पत्ते तो नहीं हिल रहे, फिर मुझे लगा क्या पता आ ना रहा हो, लेकिन देखते हैं मौसम कैसा हो रहा है। और जब मैंने बाहर निकल के देखा तो जो ये कपड़े उड़ रहे थे वो ये एसी का जो ये ब्लोअर है उसकी वजह से उड़ रहे थे। और मैंने बाहर आके देखा कि अच्छी खासी धूप निकली हुई है। घेवर हम लेके आए थे, और उसके बाद से मैं इतना मीठा खा रही हूँ कि ना अच्छी बात नहीं है, और इसलिए अब मैं करने लगी हूँ वॉक। नीचे ही करूँगी, मतलब घर में ही करूँगी वॉक, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। देखते हैं कि कितनी देर तक कर सकती हूँ। एक्चुअली साइकिलिंग भी कर सकती हूँ मैं, बट मेरा आज मन कर रहा है वॉक करने का, तो वॉक करूँगी।
और एक्चुअली मेरे पास ना मेरा ट्राईपॉड नहीं है अभी, मम्मी के घर गई थी तो मम्मी के घर ही रह गया मेरा ट्राईपॉड, तो लेके आऊँगी घर से, शाम को जाऊँगी ट्राईपॉड लेके आऊँगी और इन सब चीज़ों की मुझे अनबॉक्सिंग करनी है, अनबॉक्सिंग करूँगी और फिर मुझे अपना एनिवर्सरी का गिफ्ट भी आप लोगों को दिखाना है और आज तो मैं पक्का दिखा दूँगी क्योंकि मैंने अपना तो बता दिया कि मैंने क्या दिया था संकल्प को एनिवर्सरी पे, उनका रह गया है और वो मुझे दिखाना ज़रूरी है, उनका भी दिखाऊंगी कि उन्होंने क्या दिया। तो अब मैं आपसे शाम को मिलूंगी और फिलहाल टाइम हो रहा है 5 बज गए, तो होपफुली खाना वाना खा के फ्री हो के ट्राईपॉड ला के उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि क्या आया है। और कल सारा जो होम डेकोर है वो मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगी, संडे संकल्प हेल्प करा देंगे मेरी, अकेले तो मुझसे होगा भी नहीं, तो देखते हैं। आई होप आप लोगों को हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे और अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं और आपको ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब करिए मत जाइएगा। एसी को कर देंगे हम बंद, मैं जा रहा हूं बेबी, इधर ही रहो मैं भी। आप भी देख लो ना क्या है इसमें। तो पहला पैकेज है हमारा ये, इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है। ओके, ये है वॉलपेपर, मैंने मंगाया था। आप ना साथ में मेरे हस्बैंड की कमेंट्री भी सुन सकेंगे जो ये देंगे इन चीजों को देख के। मतलब संकल्प मुझे मुझे मजबूर कर दिया कि मैं कुछ ना कुछ बोल दूं। तो मैं आपको कौन सा रेट बता रही हूँ, मैं रेट तो बता ही नहीं रही वही तो असली बेइज्जती होने की तुम्हारी। रेट मुझे खुद ही याद नहीं है, स्टिल मैं लिंक दे दूंगी आप लोगों को, अगर आप लोगों को मंगवाने हो तो आप मंगवा सकते हैं। मुझे भी दे देना, कह रहे हैं मेरे को दे देना, मैं देखूंगा इनका रेट। तो मैंने ये मंगवाया है, ऐसे चार दिए हैं इन्होंने, एक चार चार का से कर दूंगी, ये एक ये है, ऐसे आएगा। जब मैं लगा दूंगी ना तभी अच्छे से दिखाऊंगी, बाकी अभी तो आप जस्ट ऊपर ऊपर से देख लो। ये लगवाने में ये मेरी हेल्प करेंगे और फिर ये मेरे को बीच बीच में पूछेंगे कितने का आया है, और जब मैं रेट बताऊंगी तो ये मुझे कहेंगे तुम्हें तो लूट लिया उन्होंने। लूटती हो तुम तो अकॉर्डिंग टू हिम, मैं हर बार लूट जाती हूँ। अब दूसरा खोल के देखते हैं क्या है इसमें। ओके, तो ये ऐसे आया है। रुको तो सही, होगा तो किसी चीज से भी कुछ नहीं, ये है और मैं इसको लगाऊंगी डोर के बाहर, और एक तो यहाँ लगेगा और एक बाहर लगेगा। इन दिस होम वेक अप स्माइलिंग, बी रिस्पेक्टफुल, एम्ब्रेस लाइफ, लव। वो बच्चे रहते हैं। ओ हम बच्चे हैं, आपको क्या लगता है हम बुड्ढे हो गए? क्या बचकानी चीज़ है, बट अच्छा लगा। तो ये था दूसरा, चलो किसी चीज में तो इन्होंने तारीफ करी नहीं, तभी तक तो मैं अपनी बेइज्जती ही करवा रही हूँ। जब जो भी मंगवाते हो मेरी बेइज्जती करते हैं। हाँ, बाहर जो मंगवा रखा उसकी नहीं करी आपने। तो मैंने दो दो मंगवाए थे ऐसे, एक बाहर लगाने के लिए एक अंदर लगाने के लिए। ये क्या है? तो इन्होंने मेरे को ना, हाँ ये भी है, वेट ये आया है दूसरा, उसका कलर आई थिंक ये मैं कमरे में लगाऊंगी और वो बाहर लगाऊंगी, क्योंकि ये जो इसका कलर है ना ये हमारे अंदर वाले रूम से मैच कर जाएगा, तो कल लगाएंगे, कल संडे का दिन है तो मैं इनको ही यूज़ करूँगी इनको यूज़ करूँगी मैं कर ये लगवाने में। और ये है मेरा दूसरा वाला,
इसमें लिखा है होम फैमिली लव लाफ लिव हैप्पीनेस. तो ये है. तो अगर मान लीजिए अच्छी अच्छी कोट्स हम लगाएंगे अपने घर पे तो हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी और हम थोड़ा कम लड़ा करेंगे. हम लड़ते कब लड़े? हाँ जरा नीचे जाओ पूछो कि हम कितना लड़ते हैं. तो ये दो चीज़ें तो मेरे को बहुत अच्छी लगी. अच्छा ये तीसरा हुआ है ना? नहीं चौथा है. ये है ऐसे ऐसे करके लगेगा ये इसके पीछे का जो ये है ना ये उतर जाएगा और ऐसे करके ये ऐसे करके पेस्ट हो जाएगा. ये अलग अलग हैं जब लग जाएगा तभी दिखाऊंगी ना. नहीं नहीं फ्रिज पे नहीं लगाने. फ्रिज के लिए नहीं. अच्छा, वो तो मैग्नेट वाले होते हैं फ्रिज के लिए नहीं. तो ये था आप लोगों ने देखा होगा काफी फेमस हो रहा है आजकल. तो ये लगेगा जब भी लगाऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी. ये आ गया हमारा अगला. इसमें क्या है? सब कुछ बहुत सस्ता मंगवाया, कुछ भी महंगा नहीं है इसमें. अब कई कई चीज़ें तो वो मुझे ये भी कहते थे तुम फ्री में भी ले सकती हो हमसे. ओके एक दो ये मैं अपने वॉशरूम में लगाऊंगी. एक दिन गिर गया ना पैरों में चुभा. क्यों? और ये चार ऐसे छोटे छोटे चार आए हुए. एक्चुअली जब मैंने खरीदे थे ये थोड़े से बड़े लग रहे थे बट ये आए थोड़े से छोटे. तो उस जगह के लिए ये परफेक्ट है. ये साइज बहुत सुंदर लगेगा. आप भी अपने वॉशरूम में जो खिड़की होती है ना उसके किनारे पे रख सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा. और ये है मेरी लास्ट चीज़. देखते हैं इसमें क्या है. मैं तो भूल ही गई हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया हुआ था. कहाँ से खुलेगा? मेरे ना कलाई में दर्द है तो खोलेंगे. खोल दो क्योंकि ये मुझसे खुल नहीं रहा. ये ले लो खोल देंगे. ये मेरे लिए सबसे अच्छे तो मुझे ये लगे हैं. ये जो ये है ना इनका नाम मेरे को नहीं पता क्या है, बस मेरे को ये सुंदर लगे ना तो मैंने मंगा लिए और बहुत सुंदर है ये. है क्या क्या ये मुझे कह रहे हैं वाईफाई वाले को कहना पड़ेगा. वाईफाई बंद रखे अपना, उससे क्या होगा? उससे मैं अमेज़न नहीं चला पाऊंगी. डू यू थिंक सो? मैं अमेज़न मेरे पास नेट पैक तो है ही नहीं. जैसे बच्चों के हाथ में फोन गलत. पता है इतना सादा सा था यहाँ पे सब कुछ जब से मैं आई हूँ ना ये सब ऐसे ढिंचक हो गए. इनको ना ये वर्ड अच्छा नहीं लगता. मैं खोल दूंगी बाकी का. ये कप में है? कप पे नहीं, कप वॉश. हाँ तो ये किस चीज का है पता नहीं. कोर्स नहीं है और मेरे को इसका नाम नहीं पता क्या है. पीओपी है? पीओपी पीओपी नहीं है. ये पीओपी इतनी हल्की थोड़ी ना होती है. पीओपी तो खैर है. तो ये मैंने मंगवाया है. आपको पता होगा ये वास होता है. ये मंगवाया और मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल पे इसको रखना है दूसरी से. तो ये सारी चीज़ें थी. ये चीज़ें मैंने एक बार पहले भी मंगवाई थी और मेरी और इनकी लड़ाई हो गई. मैंने सारी कैंसिल कर दी. फिर मैंने दोबारा से ऑर्डर किया और अब मेरा ये सामान आ चुका है. ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे साइड में बैठे हैं ना ताकि ये सुन लें. अच्छा अब मैं आपको बताऊँगी कि इन्होंने मुझे एनिवर्सरी पर क्या दिया. ठीक है जी.
बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि मैं उस कमरे से इस कमरे में आ गई, क्योंकि ये महादेव मेरा महादेव वो कर रहे हैं, तो वो उस कमरे में से बाहर अंदर बाहर वो कर रहे हैं, तो मैं इस कमरे में आ गई। अब मैं दिखाती हूँ कि इन्होंने मुझे क्या दिया। इन्होंने संकल्प जी ने मुझे ये दिया है, गोल्ड के इयररिंग्स। कई दिन से मैं कह रही थी इनको कि आपने मुझे कुछ दिया नहीं है, तो ये कह रहे थे दूंगा दूंगा। तो जैसे ही मैं अपने घर से रहने के लिए गई हुई थी, जैसे ही मैं वापस आई तो मैंने कमरे में जाके देखा तो के ना बेड पे ये रखे हुए थे है, और मुझे बहुत सुंदर लगे। रेट मुझे इनका पता नहीं है क्या है, क्योंकि मैंने ना पूछा ना इन्होंने मुझे बताया। और अब अगली बार के लिए मेरी थोड़ी सी जो उम्मीदें हैं ना, अब इनसे और बढ़ चुकी हैं कि मुझे और कुछ बड़ा मिलेगा अगली बार। तो ये था इनकी तरफ से मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और इनका सरप्राइज भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा जो इन्होंने मुझे दिया है। और मुझे तो वैसे इतने उसकी उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था छोटा मोटा सा कुछ दे देंगे, कोई ड्रेस वगैरह अगर दे देंगे शायद, या फिर कुछ सिल्वर का दे देंगे, मुझे ऐसा लगा था। पर इन्होंने मुझे गोल्ड का दिया। मैं उधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि वो वॉक कर रहे हैं ना, मैं इन्हीं की तरफ देख रही हूँ। तो ये था इनकी तरफ से गिफ्ट, और आज का व्लॉग हमारा यहीं तक। अगर आपको पसंद आया हो, और इनकी तरफ से भी मैं कह रही हूँ कि अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।